हाय फ्रेंड्स, मैं मीना। मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बीट रूट वड़ा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बीट रूट वड़ा बनाने की सामग्री है 2 कप चना दाल। हमने लिया चना दाल को हमने 2 घंटे पहले भिगो लिया और चना दाल हमारा बहुत ही अच्छे से फूल गया है। 1 बड़ा प्याज है जिसे हमने बारीक काट लिया है। 2 चम्मच हरा धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ। 3 सूखी लाल मिर्च है जिसे हमने तोड़ लिया है। ग्रेट किया हुआ अदरक 1 चम्मच। 3 हरी मिर्च है जिसे हमने बारीक काट लिया है। 1 चम्मच जीरा। 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। 1 चम्मच करी पत्ता है जिसे हमने बारीक काट लिया है। नमक स्वाद के अनुसार। 1 बड़ा बीट है जिसे हमने ग्रेट कर लिया है। वड़ा तलने के लिए तेल। मिक्सी के बर्तन में हम चना दाल डालेंगे। जीरा डालेंगे, सूखी लाल मिर्च डालेंगे और पीस लेंगे। दाल को हमने पीस लिया है। अब इसमें हम ग्रेट किया हुआ बीट डालेंगे, कटा हुआ प्याज डालेंगे, कटा हुआ हरा धनिया पत्ता डालेंगे, कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, ग्रेट किया हुआ अदरक डालेंगे, कटा हुआ करी पत्ता डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, बेकिंग सोडा डालेंगे। सारी सामग्री को हम अच्छे से मिला लेंगे। सारी सामग्री को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम वड़ा बनाएंगे और तेल में तलेंगे। वड़ा तलने के लिए हमने तेल को बहुत ही अच्छे से गरम कर लिया है और इसी तरह से हम वड़ा बनाकर तैयार करेंगे और आँच को मीडियम रखेंगे और वड़े को तलेंगे। वड़े को हम पलट लेंगे और अच्छा क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। वड़े को हमने अच्छा क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है और अब हम वड़े को प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए वड़े को भी फ्राई कर लेंगे। गर्मा गर्म बीट रूट वड़ा बनकर तैयार है। इसी तरह से आप भी वड़ा बनाइए, खाइए और कमेंट में बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।